वेलकम टू स्टडी पोर्टल। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी पोर्टल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपका सीटेट के डाउट्स ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुकी हैं जिसमें सीटेट के कॉमन कुछ डाउट्स हैं आपके एज को लेकर, अटेम्प्ट को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्राइटेरिया को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में या कार्ड्स में भी आपको ऊपर दिखाई दे जाएगी, तो आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सारे डाउट्स एक ही वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ और भी डाउट्स हैं लोगों के लैंग्वेज को लेकर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है सीटेट को लेकर। तो सीटेट में अगर हम बात करें लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू की, आपको दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। एक है आपकी लैंग्वेज वन, एक है आपकी लैंग्वेज टू। तो लैंग्वेज आप चूज कहां से करते हैं? जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज दी गई है, 22 लैंग्वेज, उसमें से आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, दो लैंग्वेज का ऑप्शन करना होता है आपको। तो जैसे हम नॉर्थ इंडियन के एग्जांपल लेते हैं, तो हिंदी आपको आती है, इंग्लिश आपको आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मुझे लैंग्वेज वन में कौन सी रखनी है, जो मुझे ज्यादा आती है वो, या जो मुझे कम आती है वो, या लैंग्वेज टू में मुझे कौन सी रखनी होती है। तो आप क्या करते हैं, लैंग्वेज वन में आपने सपोज हिंदी आपको आती है या इंग्लिश आपको आती है, उसके बेसिस को आप छोड़ के आप लैंग्वेज वन चलो हिंदी कर दी तो इंग्लिश बची है, लैंग्वेज टू में मैं इंग्लिश कर देता हूँ, या लैंग्वेज वन में मेरी इंग्लिश हो गई तो लैंग्वेज टू में हिंदी बची तो मैं हिंदी कर देता हूँ। हम कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं कि लैंग्वेज वन में प्रेफरेंस किसको देनी है और लैंग्वेज टू में प्रेफरेंस किसको देनी है। तो दो लैंग्वेजेस हम यहाँ पर चूज करते हैं, एक लैंग्वेज वन का पार्ट आप लेकर चलते हैं और एक लैंग्वेज टू का पार्ट आप यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो लैंग्वेज वन में आप कौन सी रखेंगे और लैंग्वेज टू में आप कौन सी रखेंगे, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्थ इंडियन के एग्जांपल लेते हैं, तो हम लेके चलते हैं कि हमारी हिंदी है और इंग्लिश है, हम इन दोनों में से ही चूज करते हैं। कुछ ग्रामीण इलाके के बच्चे जो है वो हिंदी को फर्स्ट रख लेते हैं, इंग्लिश को सेकेंड रख लेते हैं, सिटी वाले इंग्लिश को फर्स्ट और हिंदी को सेकेंड रख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कमेंट्स आता है कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो वो क्या कर लेते हैं, इंग्लिश के बजाय फिर संस्कृत भी रख लेते हैं। तो संस्कृत भी मोस्टली लोगों का रहता है। इसके अलावा जो चूज करते हैं, पंजाब का बात करें तो पंजाब में पंजाबी रख लेते हैं, यूपी में कुछ लोग उर्दू भी रख लेते हैं संस्कृत के साथ साथ, तो इस तरीके की लैंग्वेज रखते हैं। और अगर हम साउथ इंडियंस की बात करें तो उनका प्रेफरेंस, उनको इंग्लिश अच्छे से आती है तो उनका इंग्लिश रहता है मोस्टली केसेस में, पेपर वन में इंग्लिश वो चूज करते हैं लैंग्वेज वन के लिए। और बाकी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, कुछ असामी कर रहे हैं या कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज, वो रख लेते हैं या हिंदी रख लेते हैं। तो 22 लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है जो आप रखते हैं। अब बात करें कि मुझे लैंग्वेज वन चूज करनी है तो मैं कैसे चूज करूं लैंग्वेज वन, मुझे यहाँ पे हिंदी चाहिए या मैं इंग्लिश रखूं या मैं संस्कृत रखूं या मैं यहाँ पर पंजाबी रखूं, क्या लैंग्वेज है जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट रखनी है। तो दोस्तों, जब भी आप लैंग्वेज फर्स्ट रखते हैं तो आपको वो लैंग्वेज रखनी है जो आपको बहुत ही अच्छे से आती है। 30 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की लैंग्वेज वन होती है आपकी और 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज टू होती है, तो आपको रखनी कौन सी है? तो लैंग्वेज वन आप हमेशा वो रखेंगे जिसमें आपको लगे कि भाई 27 से 28 नंबर तो मैं इसमें स्कोर कर सकती हूँ। सपोज अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है और आपको लगता है कि हिंदी का पेपर आ जाए ना तो मैं 30 में से 27 से 28 मार्क्स को इजिली ला सकती हूँ। तो जिस भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड स्ट्रोंग है, जो आपको अच्छे से आती है, वो आपको ऑप्शन रखना है लैंग्वेज वन में। आपको हिंदी अच्छे से आती है तो लैंग्वेज वन में आप हिंदी रखिए, इंग्लिश अच्छे से आती है तो लैंग्वेज वन में आप इंग्लिश रखिए, संस्कृत अच्छे से आती है तो आप लैंग्वेज वन में संस्कृत रखिए। जो भी लैंग्वेज आपको 22 लैंग्वेज में से अच्छे से आती है वो आप रखिए लैंग्वेज वन में, क्योंकि लैंग्वेज वन का पेपर एज कम्पेयर टू यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है, तो आप जो है इजिली आप उसको क्लियर कर सकते हैं अगर आप उसकी आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है लैंग्वेज वन पे, या जो भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज वन के रूप में चूज कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, मुझे लैंग्वेज वन वो चूज करनी है जो मुझे अच्छे से आती है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, 27 से 28 मार्क्स को मैं ऐसे चुटकियों में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे से आती है, और उसका आप थोड़ा सा टफ लेवल जो है आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज वन में जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि उसका पेपर आपके लिए थोड़ा सा टफ आने वाला है और आप उसकी जो लेवल है उस लेवल के लिए आप तैयार रहें। लैंग्वेज टू की बात करें तो
यहाँ पे जो आपको लगता है कि कंपेरेटिवली आपकी लो है, आपकी लो कमांड है यहाँ पे कि आप कर सकते हैं बट उतना अच्छा नहीं जितना कि मैं लैंग्वेज वन कर सकता हूँ। सपोज इंग्लिश का एग्जांपल लें, इंग्लिश आपको आती तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छे से आप हिंदी कर सकते हैं, तो आप हिंदी को रखेंगे लैंग्वेज वन में और इंग्लिश को रखेंगे लैंग्वेज टू में, क्योंकि लैंग्वेज टू का पेपर एज कम्पेयर टू लैंग्वेज वन आपका इजी होता है यहाँ पर और ये होता है आपका टफ। तो आई होप अब आपको डाउट क्लियर हो गया है। लैंग्वेज वन में मुझे वही लैंग्वेज रखनी है जो मुझे अच्छे से आती है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, इजी टफ लेवल पे अगर आ जाए तो मैं इजिली उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, टफ लेवल भी मैं इजिली वहां पे दे सकती हूँ बैठ के और इजिली मैं लैंग्वेज वन का पेपर क्लियर कर सकती हूँ। अब सेकंड लैंग्वेज वो जो आपको उतने अच्छे से नहीं आती है जितनी आपको लैंग्वेज वन आती है, लेकिन आप उसका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी आ गया तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए भी आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो दोनों ही पेपर आपके 30-30 नंबर के होते हैं, लैंग्वेज वन भी और लैंग्वेज टू भी, जो दोनों ही आएंगे आपके लैंग्वेज वन के पार्ट में भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स से रहेंगे, लैंग्वेज टू के पार्ट में भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स रहेंगे आपके। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। लैंग्वेज को चूज करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना है, जितना ध्यान आपको फॉर्म फिल करते टाइम लैंग्वेज भरने में रखना है ना, उतना ही ध्यान आपको सीटेट का जब आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम में भी रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे तो आपने आसानी से कर लेते हैं कई बार, लेकिन जब सीटेट के एग्जाम में एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर आप देखते हैं बस हिंदी आया और मैंने हिंदी के क्वेश्चंस लिख दिए, या मैंने ओएमआर शीट में लैंग्वेज वन के लैंग्वेज टू में फिल कर दिया। तो ये सारी गलतियों से भी आपको बचना है, तो ये सारी गलतियों के बारे में मैं अब भी आपको याद दिला रही हूँ, जब आपका एग्जाम होगा तब भी हम आपको याद दिलाएंगे सारी चीजें। तो अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए टफ और जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं वो लैंग्वेज वन, इजी है, मॉडरेट है और आपको थोड़ी सी कम आती है लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, तो आप लैंग्वेज टू में, 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में से आपको चूज करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में जो मेन डाउट आपका रहता है वो, और सबसे इम्पोर्टेंट था ये डाउट। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा ये डाउट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। इसके साथ साथ अगर आप सीटेट की तैयारी के लिए कोई भी आप ईबुक देख रहे हैं या कोई भी पेडागोजी की वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आप डॉक्टर विजय सर के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108। स्टडी मटेरियल आपको ऑल ओवर इंडिया हम कोरियर के द्वारा भिजवाते हैं, तो वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में था इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।